हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में इमरान सर मैथ्स में। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 11। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में देखोगे आप सम नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। सी फिगर, मतलब ये सम में आपको डायग्राम पहले से ही दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब समझते हैं डायग्राम किस तरह दिया हुआ। देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। बट टॉप ऑफ अ टावर से 60 डिग्री है। उसके बाद क्या है कि फ्रॉम द अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर यहाँ आना है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनेगा। और फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, मीन्स आपको हाइट फाइंड करनी है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, मुझे ए बी फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करना है यहां पर विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, मीन्स हमको फाइंड करना है बी सी। मीन्स हमें यह पता चल गया क्या फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं आज का ये सम। सबसे पहले देखोगे आप 60 डिग्री को लेता हूं मैं, और 60 डिग्री लेता हूं मैं, ऑपोजिट निकालना है मुझे यहां पर और एडजेसेंट निकालना है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट 10 थीटा में है। तो सबसे पहले लिखता हूं यहां पर 10 थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 थीटा के अंदर ऑपोजिट क्या है यहां पर, ऑपोजिट है ए बी, लिखा मैंने यहां पर ए बी, और एडजेसेंट क्या है यहाँ पर बी सी। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने बी सी। अब देखो 10 थीटा लिखा हूँ मैंने, तो थीटा की जो वैल्यू जो है इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 60 डिग्री। और ए बी की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया हमने ए बी। और बी सी जो है वो भी कुछ नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिए बी सी। अब 1060 का वैल्यू जो है वो है √3। तो हम यहाँ लिखेंगे √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो एक काम करता हूँ मैं, इस बी सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3 से। तो √3 बी सी इक्वल टू ए बी जो मिल गया वो रख लेता हूँ मैं, आगे जाके कुछ ना कुछ काम आ जाएगा ये। अब जैसे कि मैंने ये चैप्टर में कहा, मैंने जो भी डिग्री आपको मिले, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, आप वही डिग्री से एक के बाद एक सॉल्व करते जाइए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ देखिए अब बचा है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 10 30 डिग्री इक्वल टू सेम फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 30 यहाँ पर है, इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा ए बी होगा, और एडजेसेंट जो है वो बी डी होगा। अब 10 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1/√3 इक्वल टू ए बी। अब ए बी का वैल्यू देखिए, आपने पहले से यहाँ पर निकाल चुके हो आप, ए बी इक्वल टू √3 बी सी। अब बी डी का जो है डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस में दो डिस्टेंस प्लस है, एक है बी सी और एक है सी डी। आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेंटेन करिए, आप डी सी और सी डी में कंफ्यूज ना होइए, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेंटेन करिए सी और डी, लिख दिया। अब देखोगे आप, मैं यहाँ पर फिर से कॉपी कर रहा हूँ मैं 1/√3 एग्जैक्टली, ये भी कॉपी कर दिया मैंने। अब आप देखोगे बी सी, बी सी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिए ऐसे ही बी सी। सी डी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 20 मीटर, तो यहाँ 20 लिख लिया मैंने। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, BC प्लस 20 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3
3BC। अब BC और BC क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएंगे, तो 20 इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो 20 इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और ये BC आ गया। अब देखोगे 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अगर इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका BC इक्वल टू 20 अपॉन 2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 2 10 जा 20, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया, मैंने इसको कैंसिल कर दोगे आप तो 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। तो मेरा फर्स्ट जो ये था BC जो मिल गया मुझे, BC इक्वल टू क्या है 10, और BC था क्या है, BC था विद ऑफ द कैनाल, विद ऑफ द कैनाल क्या हो गया BC हो गया 10। नेक्स्ट फाइंड करना है मुझे AB, AB क्या था हाइट ऑफ ए टावर, तो हाइट ऑफ ए टावर क्या था AB था, तो मैं यहाँ पे AB लिखता हूँ मैं, तो AB का जो इक्वेशन था वो रूट 3 BC था। अब मुझे BC की जो वैल्यू जो है वो मिल गया है मुझे 10, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई 10, 10 को आगे लिख लेता हूँ तो 10 रूट 3, लेकिन एक चीज़ छूट गया है इसमें, यूनिट क्या है मीटर का है, तो अब यहाँ पे आप मीटर लिख दीजिए आप, तो AB इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर और BC इक्वल टू 10 मीटर इज योर आंसर। तो आपको AB मिल गया आपको और ये भी हो गया, ये सॉल्व हो गया सब। इसका अगर सॉल्यूशन आपको लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये था सॉल्यूशन सम नंबर 11 का। ये मेथड आपको कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी मेरे चैनल में दिया हुआ है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।